वेलकम टू यू माय सीपीसीटी एग्ज़ाम। तो देखिएगा यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके कंप्यूटर्स जो है यहाँ पर पार्ट जो है आपका कौन सा है 15 है। तो पार्ट 15 तक जो हम कंप्लीट कर चुके थे, 16 जो है हमारा यहाँ पे पार्ट है और यहाँ पे हम जानेंगे कंप्यूटर्स के कुछ और क्वेश्चन। तो गुड मॉर्निंग आप सभी के लिए। और यहाँ पे देखिएगा पार्ट 15 तक जो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाके जो है आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है हमारा, सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप को अगर आंसर आते हैं तो आप वीडियो में जो है कमेंट करते जाइएगा और साथ ही प्रश्न नंबर सहित जो है आपको करते जाना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का एक कंप्यूटर है? तो स्टार 1000 अवेकस एटलस C1। तो स्टार यहाँ पे जो है आपका है अवेकस, आपने देखा होगा कि गणना करने वाला है, इस प्रकार एटलस है। यहाँ पे आपका सही आंसर है जो है C1, यानी कि आपका D इज़ द राइट आंसर होगा। चलिएगा अगला प्रश्न जो है हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कोडेक का उदाहरण नहीं है? तो वीडियो कोडेक का जो है उदाहरण नहीं है वो हमको यहाँ पे बताना है। तो DIVX है, XVIDIA है और CSS है, WMV है। तो जैसे आपने देखा होगा कि वीडियोस जो है उसका जो कोडेक आपने देखा होगा तो उसमें आपको CSS देखने को जो है नहीं मिलेगा, तो सही आंसर होगा आपका C। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। तो ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित डिवाइसों में कौन डिवाइस कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD जैसे एप्लीकेशंस में उपयोग की जाती है। अब देखिए यहाँ पे आपका CAD है, तो CAD जो है आपको मतलब पे कैसे जो क्वेश्चन है जिसमें आपका एप्लीकेशंस का यूज़ किया जाता है, तो सही आंसर आपका यहाँ पे क्या है, प्लॉटर्स है। प्लॉटर्स यानी कि A इज़ द राइट आंसर होगा आपका। इसमें क्या होता है कि हम उसका कुछ आलेखिक होता है, यानी कि जैसे आपने देखा है प्रिंटर भी ऑप्शन है, स्कैनर्स है और पेंटोग्राफ्स भी है। तो प्रिंटर्स आपका करता क्या है, किसी चीज़ को छापने का कार्य करता है, बट प्लॉटर आपका जो होता है यहाँ पे वो क्या करता है, ग्राफिक्स छापने के लिए उपयोग किया जाता है। और इसमें आप ऐसे पोस्टर वगैरह हुआ आपका, एडिटिंग की आपने कुछ डिस्प्ले के लिए जो है अच्छी तरीके से मतलब ग्राफिक्स करने के लिए यूज होता है, और प्रिंटर्स आपका क्या होता है, छापने के लिए होता है। तो सही आंसर क्या हुआ आपका यहाँ पे, ए होगा। और अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड डिस्क ड्राइव की प्रदर्शन को मापने का पैरामीटर नहीं है? तो देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क जो मापने का यहाँ पे पैरामीटर नहीं है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो एवरेज एक्सेस टाइम्स है और बॉड रेट है, एवरेज लेटेंसी है, डाटा रेट है। तो आपने देखा होगा कि जो हार्ड डिस्क है ना आपकी, वो डाटा को भी देखते हैं जिसमें डाटा आपका रेट है किस प्रकार से है। एवरेज एक्सेस टाइम मतलब कैसे टाइम एक्सेस कर रही, कितना चल रहा है आपका जो है हार्ड डिस्क, कैसी क्या क्वालिटी का कैसा कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। एवरेज लेटेंसी जो होती है आपकी औसतन है किस प्रकार से जो है आपका होता है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, वर्ड रेट होगा, यानी कि B सही आंसर होगा आपका। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट कार्ड के बारे में सही नहीं है? तो स्मार्ट कार्ड जो है आपका, देखा होगा आपने सभी ने यूज किया होगा, स्मार्ट कार्ड के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पे स्मार्ट कार्ड में एविडेंट माइक्रो प्रोसेसर होता है, स्मार्ट कार्ड में एविडेंट मेमोरी होती है, स्मार्ट कार्ड के माइक्रो प्रोसेसर में एक एविडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, स्मार्ट कार्ड में एक बिल्ट इन ब्लूटूथ होता है। तो देखिएगा जैसे स्मार्ट कार्ड यूज़ करते हैं तो वो जो आपका वर्क करना स्टार्ट करता है तो उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर की तरह होता है जो आपका कार्य करने लगता है। साथ ही आप देखें स्मार्ट कार्ड में एम्बेडेड मेमोरी होती है, यानी कि वो कुछ याद रख पाता है अपना
तो जी हाँ बिल्कुल, वो उसमें कुछ याद रख पाता है, जैसे कि पुराना है, ओल्ड है, कुछ है, तो वो ये जो है याद रखता है और उसमें कुछ जो है पहले से ही संग्रहित होता है, तो वो जो है स्टोरेज मेमोरी के कार्य करता है। साथ ही उसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है और अपडेट ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है होता है, जैसे ही आप यूज़ करते हैं तो वो ऑपरेट हो जाता है। तो सही आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर डी होगा, स्मार्ट कार्ड में एक बिल्ट इन ब्लूटूथ होता है। ये जो है यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका डी, यहाँ पे पूछा था कि बारे में सही नहीं है, तो डी जो है आपका सही होगा, इसमें बिल्ट इन ब्लूटूथ जो है नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, यहाँ पे पूछा जा रहा है बारकोड प्रणाली के संदर्भ में QR का अर्थ क्या है। तो बारकोड आप सभी ने देखा ही होगा, तो यहाँ पर आपको बताना है कि QR का अर्थ जो है क्या होता है। तो QR का जो है यहाँ पे फुल फॉर्म भी के लीजिएगा आप, तो जो है होता है आपका क्यू का रिस्पांस कोड यहाँ पे होता है, यानी कि आपका सी जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसके लिए सॉफ्टवेयर पब्लिशर के पास सोर्स कोड के कॉपीराइट के रूप में बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित है को किस रूप से जो है जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है आप किसी सॉफ्टवेयर हैं, पब्लिशर हैं, आप अपना सोर्स कोड है तो कॉपीराइट के रूप में आप नहीं चाहते हैं कोई यूज करे, तो उसे आप जो है सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आप क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो है एक सॉफ्टवेयर जो है आपका, तो इसमें आपको देखना होता है कि हम इसे संशोधित कर सकते हैं, इसका निरीक्षण कर सकते हैं और इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो जो होता है आपका वो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर होगा, प्रोप्राइटरी जो है सॉफ्टवेयर होगा आपका। और आपने देखा होगा जैसे कि फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और साथ में नीचे जो आपका दिया हुआ है वो सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे मालवेयर है ना। तो उपयोग कंप्यूटर वायरस ट्रोजन हॉर्स को हटाने में जो हम करते हैं, आपने देखा हो एंटी मालवेयर्स जो होता है वो किस लिए यूज होता है आपका, आपके पास वायरस आ गया और ट्रोजन हॉर्स को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। बट हम जो फ्रीवेयर होता है उसका यूज़ कर सकते हैं नियंत्रित करने, संशोधित करने के लिए, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी निरीक्षण संशोधित को जो है बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे जो है हमारा सही आंसर क्या हो गया था, यहाँ पे प्रोप्राइटरी जो है सॉफ्टवेयर हो गया था, यहाँ पे आपका सी जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सोर्स कोड को एग्जीक्यूटिवल मशीन कोड में जो है यहाँ पे बदलता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एग्जीक्यूटिवल मशीन कोड में बदलता है और जो आपका है जो सोर्स कोड याद रखना है। तो ऑप्शन आपके पास है कंपाइलर, पर्सर, इंटरप्रिंटर, एग्जीक्यूटिवल, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है कंपाइलर्स, और कंपाइलर्स यानी कि ए इज़ द राइट आंसर होगा। कंपाइलर की विशेषता क्या होती है कि जो प्रोग्रामिंग में भाषा में लिखे गए स्टेटमेंट होगा आपका या कुछ जो होगा तो उसे प्रोसेस करता है और उसे जो है आपकी क्या करता है एग्जीक्यूटिव मशीन भाषा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। जबकि आपने देखा होगा कि इंटरप्रेटर है आपका, तो ये जो है आपका प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों को बिना किसी मशीन कार्यक्रम में संकलित जो है कर देता है। तो आपको इंटरप्रेटर का भी ध्यान रखना है, और एग्जीक्यूटिव एक कंप्यूटर प्रोसेसर को एक निर्देश निष्पादित जो है यहाँ पे करता है, तो एग्जीक्यूटिवल का भी हो गया आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं हम, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम शब्दावलियों में शब्द VFS किसका संक्षिप्त जो है यहाँ पे नेम है। तो ये जो है आपको नेम है, संक्षिप्त नेम है, तो वर्चुअल फाइल सिस्टम जो है इसका पूरा नेम होता है। और साथ ही आप देखेंगे कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम शब्दावलियाँ हैं वो हमने यहाँ पे कंप्यूटर से शब्दावलियाँ स्टार्ट करती हैं, पार्ट वन जो है उसका आप जो है अपलोड कर चुके हैं, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहाँ से जो है आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे लिनक्स
यहाँ पे देखिएगा लिनक्स से रिलेटेड है आपका, तो लिनक्स में एक वर्किंग डायरेक्टरी को बदलने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कमांड्स का उपयोग किया जाता है। तो जो है यहाँ पे डायरेक्टरी पूछा है, और डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी होती है जैसे हम सब डायरेक्टरी जो है यहाँ पे बोलते हैं, तो सब डायरेक्टरी जो है यहाँ पे बोलते हैं उसे। और सब डायरेक्टरी आपने देखा होगा, तो सब डायरेक्टरी में क्या होता है कि आपके जो फोल्डर होता है फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है, बट यहाँ पे आप देखेंगे cpcat change directory और chdir, तो सही आंसर आपका क्या है, डी है, और डी के जरिए जो है हम उसे चेंज कर सकते हैं। साथ ही लिनक्स और जो इसकी पूरी कमांड है वो मैं सोच रहा हूँ इसके लिए एक वीडियो बनाऊँ जिसमें सारी कमांड्स को जो है मैं दूंगा। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। IBM मेनफ्रेम पर उपयोग की जाने वाली स्क्रिप्टिंग भाषा जैसे JCL का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, JCL का पूर्ण रूप जो बताना है आपको J और CL का, जो आपकी कहाँ यूज़ की जाती है, IBM मेनफ्रेम कंप्यूटर में, IBM जो आपकी कंपनी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है ना, तो IBM का भी जो है आपको याद रखना है, IBM है आपका, तो ये क्या है आपका स्क्रिप्टिंग भाषा है JCL, और JCL जो है आपका यहाँ पे कौन सा इसका जो है फुल फॉर्म होगा, तो जॉब कंट्रोल लैंग्वेज इसका जो है पूरा नेम होगा यहाँ पे, और यानी कि आपका यही सही आंसर होगा। साथ ही अगला प्रश्न देखते हैं हम, यहाँ पे पूछा जा रहा है एक एल्गोरिदम जो सॉम की बार बार पुनरावृत्ति तब तक करती है जब तक कि एक निश्चित स्थिति जो है आपकी प्राप्त ना हो जाए, यह कहलाती है। तो यहाँ पे आप वो देख रहे होंगे कि जैसे कि आप वो एल्गोरिदम है आपका कोई, और आप चाह रहे हैं कि बार बार पुनरावृत्ति तब तक करते हैं जब तक ये क्या निश्चित स्थिति प्राप्त ना हो जाए, यानी कि उसका एक एग्जिट जो है हमको जो है स्थिति है वो प्राप्त होना चाहिए, तो यहाँ पे है रिकर्सिव एल्गोरिदम जो है यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, यानी कि सी जो है आपका सही आंसर है। और हम यहाँ पे देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और साथ ही जो है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अभी हमने प्रोप्राइटरी देखा था अभी कुछ देर पहले, और यहाँ पे पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो रेक्टॉस, अवेंटू और फ्री VSD और विंडोज 7, तो आप इन ऑप्शनों में से देख रहे होंगे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका कौन सा है, यहाँ पे विंडोज 7 है, तो आपका डी आंसर होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं हम, यहाँ पे उस लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा को पहचाने जिसका उपयोग मल्टीमीडिया वेब पेजों को बनाने के लिए किया जाता है, तो मल्टीमीडिया जो वेब पेज हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कोबल, जावा, बेसिक और असेंबलर जो है आपकी यहाँ पे लैंग्वेज दी हैं, यानी कि भाषा दी हैं। कोबल आपने देखा होगा कॉमन ओरिएंटल बिजनेस जो है आपकी रिलेटेड है, बेसिक आपका जो है बेसिक है, असेंबलर जो है आपकी भाषा है, तो वेब पेजों के लिए यूज की जाने वाली आपकी है जो है जावा है, यानी कि बी जो है आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। विंडोज़ है हमारा यहाँ पे, विंडोज़ OS में टास्क मैनेजर यूटिलिटी को कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का जो है उपयोग करके खोला जा सकता है, यहाँ पे हमको बताना है खोला जा सकता है, Shift+M, Alt+Del, Shift+Del, Ctrl+Alt+Del, तो ये आपका जो सही आंसर है यहाँ पे वो है आपका डी आंसर होगा यहाँ पे, यानी कि हम जो है उसे जो खोलना है हमको टास्क मैनेजर यूटिलिटी की जो है यहाँ पे, तो वो हम खोल सकते हैं Ctrl+Alt+Del से जो है यहाँ पे खोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, यहाँ पे पूछा जा रहा है नेटवर्क शब्दावली में DHCP
सी पी का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, डी एच आपका और यहाँ पे सी और पी का जो है पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपको जो फुल फॉर्म ज़्यादातर आपकी याद रही हैं तो मैं वो बता दूं कि आपको जो है फुल फॉर्म के भी मैंने वीडियो डाले हैं ए से लेकर जेड तक के, तो वो जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से वहाँ देख सकती हैं। तो इसका जो पूरा नाम होगा वो होगा आपका डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो है उसका पूरा नेम होगा, यानी कि आपका जो है बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ स्टार्टअप प्रक्रिया की समस्याओं का निवारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे स्टार्टअप जो है आपका वो देख लेना है, विंडोज़ में जब आप स्टार्टअप करते हैं प्रक्रिया जो समस्या होती है तो वो उसमें से कौन सा जो है यहाँ पे करता है। तो आपके पास यहाँ पे एमएस कॉन्फ़िगरेशन है और बूट एमजीआर है, कर्नेल 32 है, रन डीएलआर है। तो एमएस जो है कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सही आंसर होगा, यानी कि आपका ए सही है। जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो वो जो है आपको कॉन्फ़िगरेशन देता है जिसमें आप वहाँ देखते हैं कि हाँ ये जो है हमारा यूटिस विंडोज़ जो है स्टार्टअप होता है और वहाँ पे उसका जो है कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाता है। तो अगला प्रश्न यहाँ से पूछा है, वह कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोग में ना होने की स्थिति में स्क्रीन को ब्लैंक कर देता है या गतिशील छवियां या पैटर्न से भर जाता है। तो ये देखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो आपके पास ऑप्शन है, स्क्रीन सेवर है, इमेज स्कैनर है, डेस्कटॉप कैचर है और मॉनिटर रीडर है। तो आपने देखा होगा कि जैसे आप अपना प्रोग्राम्स चला रहे हैं या कंप्यूटर उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आपको एक ब्लैंक जो है स्क्रीन दिखाई देती है या आपकी जो छवियां यानी कि या पैटर्न से जो क्या है भर जाता है। तो हम जो है स्क्रीन सेवर का जो है यूज करते हैं और स्क्रीन सेवर जो है आपने देखा होगा कि स्क्रीन सेवर्स में हम लोग करते क्या हैं कि आपकी जो कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ वर्क कर रहे हैं तो करने के बाद जैसे हम उसे नहीं करते हैं तो उसके ऊपर जो है स्क्रीन सेवर आ जाता है। इससे क्या होता है, आपको छवियां भी जो है ऊपर दिखाई देती हैं कुछ प्रकार, जैसे आप अपना स्क्रीन सेट करना चाहते हैं, स्क्रीन सेवर लगाना चाहते हैं वैसा आप जो है लगा सकते हैं। तो इस स्थिति में आपका जो कंप्यूटर है वो सक्रिय समय के लिए निष्क्रिय हो गया होता है और जब आपका स्क्रीन सेवर सक्रिय हो जाता है यानी कि एक्टिव हो जाता है। और यहाँ पे जो है अगला प्रश्न देखते हैं हम, यहाँ पे निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प वेरिएबल जो है आपका लेंथ वाले पासवर्ड को लेकर उसे एक फिक्स्ड लेंथ वाले पासवर्ड यहाँ पे बनाने की तकनीक को जो है परिभाषित करता है। तो आपने देखा होगा कि जो पासवर्ड हैं उन्हें जो बनाने के लिए है और उसमें लेंथ होता है फिक्स होता है आपका वेरिएबल लेंथ होता है, तो उससे एक जो है हम लोग परिभाषित करना चाहते हैं तो वो आपका रीसेटिंग, रिकरिंग, नॉर्मलाइजिंग और हैशिंग। रीसेटिंग करना यानी कि आप पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हैं, रिकरिंग करना चाहते हैं आप अपने पासवर्ड को, या नॉर्मलाइजेशन जो है यहाँ नॉर्मलाइजिंग जो है आपका करना चाहते हैं। यहाँ पे सही आंसर आपका है डी, यानी कि आप उसे जो है हैशिंग करना चाहते हैं तो वो जो है परिभाषित आपको जो है यहाँ पे करता है। साथ ही आप जो है यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है। तो यहाँ पे अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एक स्टैंड अलोन मालवेयर प्रोग्राम, यहाँ पे देखना है मालवेयर प्रोग्राम जो एक कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित होने के लिए सोम को जो है दोहराता है वह किस रूप में जाना जाता है। तो सोम को जो है दोहराता है यहाँ पे आप देख सकते हैं तो वो है आपका कंप्यूटर वर्म, यानी कि बी सही आंसर होगा। साथ ही मैं बता दूँ यहाँ पे कि कंप्यूटर वर्म जो है आपको फैलाने के लिए सोम की नकल करता है, क्या करता है, सोम की नकल करता है और एडवेयर का उपयोग अक्सर मेलवेयर के एक
फॉर्म का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो ये जो है आपका मेलवेयर का वर्क है और ट्रोजन एक प्रकार का क्या है आपका वायरस है। तो यहाँ पे कोकेज जो है आपको यानी कि किसी भी पैच खोलने के लिए होता है, तो वो आपको यहाँ पे कोकेज होता है। और यहाँ पे जो हमारा सही आंसर था वो क्या है आपका बी सही आंसर है। तो यहाँ पे ट्रोजर का पता चल गया, एडवियर का पता चल गया। और थैंक्स फॉर वॉचिंग्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।